नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिल्ली बलात्कार केस, दरिंदों ने आधे से ज्यादा जला दिया था शव, पोस्टमार्टम में भी दिक्कत, नहीं पता चली मौत की वजह। नाबालिग दलित बच्ची के परिजनों की तस्वीर शेयर कर घिरे राहुल गांधी, ट्विटर को जारी हुआ नोटिस। कोलकाता हाई कोर्ट से ममता सरकार को झटका, सुवेंदु अधिकारी के करीबी को तुरंत रिहा करने का आदेश, राज्य सरकार से मांगा जवाब। 10 रुपए में बिक जाओगे तो ऐसी ही सड़कें पाओगे, छत्तीसगढ़ के कोरबा में युवाओं का अनोखा विरोध प्रदर्शन। भारत ने लद्दाख में बनाई दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, चीन बॉर्डर के है नजदीक। त्योहारों पर न जुटने पाए भीड़, कड़ाई से प्रतिबंधों का पालन कराए राज्य, केंद्र ने जारी किए निर्देश। जम्मू कश्मीर में 38 महीनों में मार गिराए गए 630 आतंकी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी। सस्पेंड होने के बाद सांसदों का हंगामा, अर्पिता घोष पर लॉबी में कांच फोड़ने का आरोप, महिला पुलिसकर्मी जख्मी। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 12वां दिन, सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम को मिली हार, रवि दहिया से गोल्ड की उम्मीदें। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।